देवघर पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सह केसरगंज लोकसभा के छठी बार के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। भारतीय जनता पार्टी से 16वीं लोकसभा के लिए केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में सांसद सदस्य हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं बाबा से मन्नत मांगा था और बाबा ने हमारी मन्नत पूरी की, इसलिए बाबा का दर्शन करने आए थे। उन्होंने बताया कि मैंने बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना किया था कि देश के लिए खेल रहे खिलाड़ियों को बाबा का आशीर्वाद मिले और भारतीय खिलाड़ी मेडल जीत कर आए, और बाबा ने हमारी प्रार्थना को सुनी और देश को 2 मेडल मिला। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां रही जिसके कारण हमें सिर्फ 2 ही मेडल मिल पाए, इस कमियों को दूर किया जाएगा। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 5 जून को 5 लाख लोगों के साथ वे अयोध्या जाएंगे। उनका कहना है कि इतने सारे लोगों को देख कर राज ठाकरे को भी समझ आएगा कि लोग उनसे काफ़ी नाराज हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या दौरा के विरोध कर रहे बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वह अयोध्या नहीं आ सकते। उन्होंने यहां तक कहा कि बगैर माफ़ी मांगे राज ठाकरे के पिताजी भी अयोध्या नहीं आ सकते। ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और हिंदुओं को एकजुट होने की बात हमेशा करते हैं, और ऐसा ही झलक देवघर में भी देखने को मिला। प्रेम हुआ था और हमने बाबा के धाम में आकर के मांगा था कि मुझे 2 मेडल ओलंपिक के मिल जाए, तो मुझे मिले थे 2 मेडल। इस बार भी ओलंपिक के पहले मैंने मांगा था कि मुझे 2 मेडल मिल जाए, तो 2 मेडल मिले। मांगा 4 था लेकिन मिला 2। कुछ गलती हमारी ही थी, हमारे बच्चे, किस्मत उनकी चूक गई, तो वही मेरी मान्यता की दर्शन करना चाहिए, उसी का दर्शन करने के लिए आया था।